जी आप आ गई। ये मेरी अम्मी है। चंदा तुम? यानी हमारे जानशीन के रिश्ते के लिए आप हमें ख्वाजा सराह के घर ले गए। जी बाबा जान, क्योंकि मेरा ये ख्याल था कि आप इंसानियत के अलमबरदार हैं। चलो हम कोर्ट दर्ज करते हैं। सर आप मोहब्बत कहीं मैं बदनाम नहीं करा। शादी मोहब्बत की तकमील नहीं है। जितनी तकलीफ आपने जरियाब को दी है उतनी ही जल्लत हमें उठानी पड़ी। हाँ बिल्कुल साकिब, तुम्हें आराम से समझाना चाहिए था। मैं क्या करता। औलाद खुद को बहुत ताकतवर समझती है जब उन्हें अपने माँ बाप की सपोर्ट हासिल होती है। नहीं बाबा जान, मुझे जरियाब की इस हालत पे दुख जरूर है, लेकिन मैं कभी भी आपके खिलाफ जाकर उसकी हिमायत नहीं कर सकता। काश महनूर को एहसास होता कि हमारा नाम, हमारा मकाम और हमारी मजबूरी क्या है। मेरब भी हमारे लिए बहुत अहम है, हमें उसके लिए भी सोचना है। लेकिन बाबा जान, सरियाप और चांदनी की कहानी से मीरब का क्या ताल्लुक? ताल्लुक है। आप सिर्फ सरियाप के वालिद होकर सोच रहे हैं, कभी मीरब के बाप बन के सोचें वसीम की तरह। मैं कुछ समझा नहीं। आप कहना क्या चाहते हैं भाई साहब? मैं मीरब का निकाह सरियाप से करना चाहता हूँ। मगर बाबा जान, वो बस इसके सिवा कुछ नहीं। बाबा जान बहुत मुनासिब फैसला किया है। क्यों पुपी जान? हाँ बिल्कुल, बहुत मुनासिब फैसला है आपका भाई साहब। बस तो फिर हमारा फैसला दरियाब और मीरब की किस्मत का लिखा समझकर दरियाब को तैयार करें। जी आपा, आपा ये क्या कर रही हैं आप? उधर उधर नीचे आपा। छोड़ दे सफिया, छोड़ दे। मैं नहीं जीना चाहती, मैं अपने पीर और मुर्शिद की इज्जत नीलाम होते नहीं देख सकती। आपा हालात से घबरा कर क्यों जिंदगी हारने जा रही हैं आप? तू जानती है मेरी वजह से पीर और मुर्शिद की इज्जत दांव पे लगी हुई है और इस लड़की को कोई परवाह नहीं है। मरने दे मुझे। आपा ऐसी मौत लेके अल्लाह के पास जाएंगी तो क्या मुंह दिखाएंगी? जिंदगी भर की सारी नेकियां खाक में मिला देगी ये मौत। और तुम खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? पत्थर क्यों की हो गया? आओ मदद करो मेरी। छोड़ दे चांदनी, तू क्या समझती है मुझे बचा लेगी? मैं अपने आप को आग लगा दूंगी, मेरी खाक अपनी मोहब्बत की कब्र पर डाल लेना। आप क्या करने लगी थी? जिंदगी खत्म करने लगी थी आप? क्या करूं, तुझे मेरी जान की परवाह है? तुझे अपनी मोहब्बत मुबारक। खुदा के लिए आपा, दूसरों की खातिर अपनी बेटी को उसकी नजरों में क्यों गिरा रही हैं? अपनी औलाद का दुख समझें। सफिया अगर तू मेरे छोटे पीर और मुर्शिद को देखती ना तो अपना कलेजा थाम लेती। अरे महलों में रहने वाले हैं वो, शहजादों की तरह जिंदगी गुजारते और दीवानों की तरह इसके प्यार में घूम रहे हैं। तो मैंने तो नहीं कहा ना सर आपसे कि वो दीवानों की तरह जिंदगी गुजारे? तेरी मोहब्बत में रुसवा हो रहे हैं। क्या करूं मैं ऐसी मोहब्बत का? मैंने तो मजबूर नहीं किया ना। मान ले वो अपने बाप दादा की बात और कर ले किसी ऊंचे खानदान में शादी। अगर मैं उनसे बात करने की कोशिश करूं, मैं उनसे मिलने की कोशिश करूं तो मैं मजबूर हूं ना। अरे तू शादी कर ले ना, बात ही खत्म हो जाएगी, कर ले शादी। नहीं करनी मुझे शादी, ना रियाब से और ना किसी और से। और अगर किसी ने मुझे मजबूर करने की कोशिश की तो आपके पास तो सिर्फ एक तरीका है ना अपनी जान लेने का। मेरे पास हॉस्पिटल में तरह तरह के जहर है, खा लूंगी और मर जाऊंगी अगर किसी ने मुझे दोबारा मजबूर करने की कोशिश की तो। चांद सुन लिया आपने, फूलों की तरह पाला है आपने इसे और आप कांटों पे धकेल रही हैं। सही कह रही है वो, आपके पीरों मुर्शिद क्यों नहीं जरिया आपको राजी करते? क्यों नहीं उसे मजबूर करके उसकी शादी करवा देते? सिर्फ चांदनी को क्यों इल्जाम दे रही हैं आप? सफिया मैंने जो दीवानगी अपने छोटे पीरों मुर्शिद की आंखों में देखी है ना, वो कहानियों में भी नहीं सुनी। वो नहीं भूलेंगे अपनी चांदनी को,
अब आप मान लें कि हम चांदनी की शादी कर देते हैं, तो क्या आपके छोटे पीरो मुर्शिद जरियाब चांदनी को भूल जाएंगे? कभी नहीं। ठीक कह रही है बहन, ये जब इश्क का रोग लग जाता है ना, तो इसका कोई इलाज नहीं है। मैं खामा खामे जज्बाती हूँ। तुमने देखा कैसे धमकी दी उसने कि मैं ऐसा कुछ नहीं होगा, मुझे माफ कर दे, ये गलत काम नहीं करे, मैं देखती हूँ। चांदनी मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दे। कमबख्त को क्या एहसास के मोहब्बत क्या होती? सिलत रसवाई और बदनामी के सिवा कुछ नहीं है। ऐसा तो नहीं कि मेरी जान, अपने दिल पर हाथ रखकर मोहब्बत को कोस। मैं सिर्फ आपकी मोहब्बत को जानती थी, खाला अम्मी की मोहब्बत की पहचान थी मुझे। सुन के ज़रियाब ने मुझे मोहब्बत की पहचान दिलाकर, मोहब्बत इतनी ज़ालिम होती है ना, जीने देती है ना मरने देती है। फिर मुझे इस मौत जैसी जिंदगी के सहारे जीने दे, मत करे मुझसे शादी की बात। तुझे की मेरी जान, तेरी जिंदगी है, तेरे पेशे की अमानत। बस छोटे पीरों मुर्शिद से राबता नहीं करना। नहीं करूंगी सर, आप जाने उसके घर वाले जाने उसके दीवान की जाने, मैं राबता नहीं करूंगी अम्मी। एक शर्त पर कि आप भी अपनी जिंदगी को खतरे में नहीं डालेंगी, आप भी जिएंगी मेरे लिए। अल्लाह तुझे इस इम्तिहान से सुरखरू करे। नानी जान, मीरा, मैं चाहती हूँ तुम्हारी शादी बहुत ही किसी आला खानदान में हो, उस शख्स से हो जिसको अपने हस्ब व नस्ब शिजरे का पता, जिसको मालूम हो उसके बाप दादा कौन है, ताकि उस शख्स से जिसके बाप दादा का नाम निशानी ना। नानी जान आप सब हैं ना मेरे साथ, मेरा रिश्ता किसी ऐसे इंसान से थोड़ी करेंगे जिसे अपने बाप दादा का नाम भी मालूम ना हो। मैं लवारिस तो नहीं हूं ना। लगता है बेटा मुझे तुम्हें लेकर दिल में बहुत बुरे बुरे वसवसे आते। दादा जान ने मुझे यकीन दिलाया कि वो मेरा रिश्ता किसी ऐसे इंसान से मुंसलिक करेंगे जो खानदानी हो। यही तो खतरा है, यही तो डर है,
कि भाईजान एक दफा उसी तरह धोखा ना खा जाए तरह दिल के मामले में खाए। वो तो खानदानी होकर इस तरह नीच हरकतें कर गया कि सारी हदें क्रॉस कर दी उसने। तो लगता है बेटा ये क्या, अभी तक बर्तन नहीं धोए, आटा गूंथ के रोटी बनानी है, आदिल को भूख लग रही है ना। जान मुझे आटा गूंथना तो नहीं आता, मैंने कभी नहीं गूंथा। क्या करें बेटा, आप लोगों की तरह अमीर कबीर तो हैं नहीं हम, ना हमारे घर में खानसामा है, ना मंजूरा है, ना खालदा है। मैं गूंथ देती हूँ आटा। रहने दो, जैसे तैसे मैं ही गूंथ लूंगी। नहीं नहीं, मैं रोटी भी बना लूंगी, आड़ी तिरछी जैसे भी बने। आज आड़ी तिरछी बनाओगी, कल को गोल भी बना लोगी। मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाहता कि अपनी रानी बेटी से इस तरह आटा गुंदवा के रोटियां बनाओ। क्या करूं, मजबूर। ओ याद आया, घर चक्कर नहीं लगाया तुमने? कागजात ले आती, जेवरात ले आती। वो सारा दिन टाइम ही नहीं मिला, कल चली जाऊंगी। अभी ना मैं जल्दी से आपके लिए आटा गूंथ कर रोटी बना लेती हूँ। अपनी माँ से डरने की जरूरत नहीं है तुम्हें। अगर आज अपने हक के लिए आवाज नहीं उठाओगी, कभी नहीं उठा पाओ। सरयाब भाई, क्या हो गया है आपको? संभाले खुद को। जरूर दादा जान ने, जरूर दादा जान ने चांदी की अम्मी को बेइज्जत करके घर से बाहर निकाला होगा। सरयाब भाई संभाले खुद को। क्या संभालू अपने आपको, क्या संभालू? मेरी जिंदगी लुट रही है यहाँ पर मीरा। सारी जिंदगी मुझे प्यार करने वाले, लाड प्यार देने वाले मेरे दादा जान मेरी खुशी के पीछे पड़े हुए। मैं दादा जान से बात करूंगी, मैं उन्हें समझाऊंगी, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? नहीं मीरा, नहीं, वो नहीं मानेंगे, गलती होगी मुझसे। उसे वापस नहीं आना चाहिए था। जरा भाई कैसी बातें कर रहे हैं आप, खाला जान चाचा जान बहुत मोहब्बत करते हैं आपसे। सिर्फ अम्मी जान, अम्मी जान, अगर अपा जान उससे मोहब्बत करते ना तो ऐसा नहीं करते आज वो। जरा भाई मैं आपके साथ हूँ, आप संभालें खुद को, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? मैं बात करूंगी दादा जान से। तो जाओ दादा जान से कहो, कहो जिस चांदी नहीं मिली तो अपने आपको जान से मार दूंगा मैं। जाओ जाओ मेरा। जाने क्यों ये दर्द लिखे हैं, क्यों चैन ना आए ये कौन बताए, इस दिल से जुड़े हैं जो दिल के ये रिश्ते, क्यों होने लगे कसम ले ले मैं मोहब्बत की दुश्मन नहीं, लेकिन मैं अपने पीर मुर्शिद से भी गद्दारी नहीं कर सकती। दादा जान, बेटा मैं थोड़ी देर आपके पास बैठ जाऊं। हाँ बैठ। हम भी आज बहुत तन्हाई महसूस कर रहे थे बेटा। रोज सरयाब यहां हमारे साथ बैठते थे। हम आने वाले दिनों का प्रोग्राम बनाते थे। आप बहुत मोहब्बत करते हैं ना जरियाब भाई से। जरियाब,
आपके कजन है बेटा। दादा जान, मैंने बचपन से मरियम और जरियाब को अपना बहन भाई समझा। ये सब बचपन की बातें हैं बेटा। कजन्स भाई बहन नहीं होते। बात तो सोच के है ना दादा जान। दादा जान, आप प्लीज भाई की बात मान ले। मुझे नहीं लगता वो चांदनी को भुला पाएंगे, प्लीज। उस लड़की का नाम मतलब उसने हमारी इज्जत पे हाथ डाला है। नहीं दादा जान, ऐसा नहीं है। चांदनी बहुत अच्छी लड़की है, उसका जो भी बैकग्राउंड है उसमें उसका क्या कसूर है? बस बेटा बस, उसका जिक्र अब और नहीं। हमारी खातिर भी नहीं मानेंगे। मैंने भाई की हालत देखी है दादा जान। ऐसा ना हो आपका इनकार भाई को उनके होशो हवास से महरूम कर दे। हम अपना फैसला बदल कर वसीम के सामने शर्मिंदा नहीं होंगे कभी। आप बहुत खुश नसीब हैं जरिया, कि आपको चांदनी की मोहब्बत मिली। सच्चा प्यार तो अल्लाह का इनाम होता है। आप चांदनी के खुलूस को धोखा मत दीजिए। आप चांदनी को मनाएं, बल्कि मैं तो कहती हूं कि आप लोग कोर्ट मैरिज कर लें। भाई साहब क्या कहेंगे, साकिब क्या बोलेंगे, या जमाना क्या कहेगा, इसकी बिल्कुल परवाह मत करें। मुझे किसी की भी परवाह नहीं है नानी जान, मगर चांदनी अपनी खुशी की खातिर दादा जान के नाम को रुसवा नहीं करना चाहती। मैं बात करूंगी चांदनी से, उसे समझाऊंगी कि किसी के नाम की शान की खातिर अपनी मोहब्बत की कुर्बानी ना दे। मोहब्बत बार बार नहीं मिलती। आप मुझे चांदनी के पास ले चले दादी जान। मगर मैं तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे सरिया। मुझे आपसे बात नहीं करनी। सरिया रुको, सरिया बदतमीज, देख रही हैं किस तरह बगावत पे उतर आया ये लड़का, और आप फूफी जान सरिया आपको कोर्ट मैरिज का मशवरा दे रही है, ये जानते हुए भी कि बाबा जान ने मीरब और सरियाब की शादी का फैसला कर लिया। आप उसकी हालत देख रहे हैं, क्या आप समझ सकते हैं कि जरियाब मीरब को खुश रखेंगे या खुद खुश रहेंगे? कभी नहीं। लेकिन इसका मतलब हरगिज ये नहीं कि आप उसे बगावत पे उकसाएं फूफी जान। हमने उसे बगावत पे नहीं उकसाया। जरियाब तो पहले ही चांदनी की मोहब्बत में बागी हो चुके हैं, लेकिन हम मीरब की जिंदगी को दोबारा बर्बाद नहीं करना चाहते, समझे आप? पुपी जान, बात होती है। मुझे बहुत डर लग रहा है आदिल। डरो मत यार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जब मेरी कॉल रिसीव नहीं करती हो तो ये सलाम करने का तकल्लुफ भी क्यों? मानी जान आप बस आदिल, मैं तुम लोगों से अपने सारे रिश्ते खत्म कर चुकी। परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप जाके आराम कीजिए, बच्चों से बात मैं करूंगा। अस्सलाम वालेकुम नाना जान। अस्सलाम वालेकुम दादा जान। बोलो मरियम, तुम अपनी नानी से अपनी सारी ज्वेलरी लेकर गई और मुझे बताना भी गवारा नहीं किया। रेजान अब हम वहां परेशान हो रही, वो मेरे ही चढ़ रही थी, इसलिए हमें लेकर चलेंगे। पर दादा जान, मेरी जो विरासत की फाइन है वो भी। जी क्या कह रही हो तुम, दिमाग ठीक है तुम्हारा? मरियम ठीक कह रही है बहू,
आप ज्वेलरी लेके आए। माफ कीजिएगा बाबा जान, कभी किसी को मीरब का ख्याल आए? इसके घर से कोई एक भी आया मीरब से हमदर्दी के दो बोल बोलने के लिए या उसके आंसू साफ करने के लिए? नहीं। और आप फिर भी मीरब का ख्याल रखने के लिए हम हैं यहां। आप जाके ज्वेलरी लेके आए। बेटा, आपकी विरासत के कागजात वकील आपको दे जाए। बहुत पछताओगी मरियम, ये लोग तुमसे सब कुछ तुम्हारा लेकर तुम्हारा वही हशर करेंगे जो मीरब का किया है। दादाजान, आप देख रहे हैं ना मेरे साथ क्या सुबह हो रहा है। वो तो अच्छा हुआ कि मैं आदिल के साथ वापस चली गई, एटलीस्ट मेरा घर तो सलामत है ना आज। कुछ हथियाने के बाद जब धक्के देकर इस लड़की को वहां से निकालेंगे ना, फिर पोती और दादे को पता चलेगा। बानू, वो बेटा सरयाब का है। मुझे क्या मालूम, अपने कमरे में होगा। नहीं है कमरे में, मैं देखकर आ रही हूं। ना आपको इतनी उसकी क्यों फिक्र होने लगी? तुम चाहती हो ना कि सरयाब और चांदनी की शादी हो जाए? हाँ, मैं चाहती हूँ कि इस घर में वो लड़की बहू बनकर आए जो झूले से उठाई हुई, जिसके खानदान का कुछ पता ना हो, जिसे ख्वाजा सरा ने पाला हो। मैं भी यही चाहती हूँ कि सरयाब चांदनी से शादी कर ले। क्या क्या कहा आपने? जिंदगी में पहली बार आप बाबा जान की सोच से हटकर कैसे सोच सकती हैं? क्योंकि बात आप मेरे नाम और वसीम अरमुनिरा की इज्जत पर आ गई है। क्या मतलब? मैं सबने फैसला कर लिया है कि वो मीरब और सरयाब की शादी कर देंगे। सरयाब और मीरब की शादी? ये तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो आपको बहुत बहुत मुबारक। मानूर, देखा मेरे सबर का ही नाम? आपके जुल्म और बाबा जान की जिद का नतीजा। आपको अपनी मजबूरी पे आ रही है मेरी मोहब्बत? नहीं, आपको तो पैदा ही मोहब्बत बांटने के लिए किया गया है। आप क्यों साथ दे रही हैं उन मोहब्बत के दुश्मनों का? छोटे पीरो मुर्शिद, कसम ले ले, मैं मोहब्बत की दुश्मन नहीं, लेकिन मैं अपने पीरो मुर्शिद से भी गद्दारी नहीं कर सकती। मैं दिल से चाहती हूँ कि चांदनी और आपकी शादी हो जाए, लेकिन अपने पीरो मुर्शिद की नजरों में भी निकलना चाहती। सर आप तुम क्यों दीवाने हो गए? सबका इनकार मेरे दिल से तुम्हारी मोहब्बत को खत्म नहीं कर देगा, इसलिए जरूरी नहीं है कि हमारी शादी हो। हम जुदा रहकर भी हमेशा एक दूसरे के साथ हैं। कसम से आपका हमारा कोई मेल नहीं है। दुनिया में सबसे बड़ा मजहब इंसानियत। क्या आपको इंसानियत पर भरोसा नहीं? इंसानियत मेरा ईमान है। अरे मेरा, लेकिन मैं अपने पीरो मुर्शिद को दिए हुए कॉल से पीछे नहीं हट सकती। मैं चांदनी को हर किसी इजाजत नहीं दे सकती कि वो आपके साथ कोर्ट मैरिज करे। तो कोई ठीक है, मैं चाहने की दहली से अपनी जान दे दूंगा। ना छोटे पीरो मुर्शिद, ऐसा तो ना, आपको मरते नहीं देख सकते। सर आप इस तरह से मोहब्बत को बदनाम मत करो। मोहब्बत को नहीं,
खुद को बदनाम कर रहा हूँ चांदनी। आखिरी बार तुम्हारी बातों में आकर मजबूर होकर मैं घर वापस चला गया था, लेकिन इस बार नहीं जाऊंगा। इस तरह मेरी वजह से अपने घर वालों को परेशान मत करो सरिया, प्लीज। ऐसी मोहब्बत गुनाह है जो किसी के लिए सिल्लत बन जाए छोटे पीरों मुझे। ठीक, मैं आपसे आखिरी बार यहां दरखास्त करने के आया था, बड़ी आस उम्मीद लेकर आया था आपके पास। मैं तो सारी आस उम्मीद ही तोड़ दी मेरी। और चांदनी, जिनकी इज्जत की खातिर तो मेरी मोहब्बत को ठुकरा रही हो ना, मोहब्बत के बहुत बड़े दुश्मन है। मैं मोहब्बत के दुश्मन के आगे सर नहीं झुकूंगा। हार से मेरा उनका रिश्ता खत्म। किस्मत में जाने क्यों ये दर्द लिखे हैं, क्यों चैन ना आए ये कौन बताए। इस दिल से जुड़े हैं जो दिल के ये रिश्ते, क्यों होने लगे हैं जाने वो पराए। आपकी बेटी ने हमारे इनकार का इस तरह इंतकाम लिया है और आप भी आ गई हैं हमारी इज्जत का तमाशा देखने के लिए। खुदा का वास्ता है, अपने घर चले जाओ। तो मुझे मशवरा मत दो, मुझसे मेरी मंजिल छीन कर मुझे मंजिल का रास्ता मत दिखाओ। तुम चाहते तुम्हारी मंजिल मैं हूँ सरिया। ये क्या बेवकूफी है कि अपनी मंजिल के इतने करीब आकर तुम खुद को गुलाम गर्दिशों में गुम कर लो। खुद को इन गुलाम गर्दिशों में खत्म कर दूंगा चांदनी। कहाँ हो तुम? मुझसे मेरा निशान मत पूछो चांदनी। मैं अपने आप को इस जमाने की गर्दिशों में गुम कर दूंगा। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे सरयाब, तुम्हें मेरी कसम है तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। चांदनी मुझे अपनी कसम देकर मुझे मेरे इश्क और जुनून से दूर मत करो। क्या हुआ चांदनी? सर आपने घर जाने से इनकार कर दिया है। ये लड़का खुद को बर्बाद कर लेगा, कहाँ है इस वक्त? ये भी नहीं बताया। आपा बता रही थी कि जरियाब के अबाउजदाद की कोई दरगाह है, जरियाब जरूर वहां होगा। मैं जाऊंगी उसे वहां ढूंढने। आप जाएंगी? हाँ मैं। सरिया आपकी बर्बादी का जब भी एहसास होता है तो मेरे सीने में ठेस सी उठती है। मैं भी आपके साथ जाऊंगी खालाम भी। जरिया आपकी बर्बादी उसकी दीवानगी की वजह तुम हो चांदनी। तुम मसलियतों और अना की मारी हुई अपनी मोहब्बत की आप दुश्मन हो। बहुत बेरहम हो तुम चांदनी। इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए।
एक आग का दरिया है, डूब के जाना। ज़रियाब, बेटा, ये क्या हालत बना रखी है तुमने अपनी? चलो, घर चलो। आए, माँ जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जब से तुम घर से गए, अजीब दिल बेचैन सा था, बस बर्दाश्त नहीं हुआ और यहाँ चली गई। खुद पे बैठा था, इतना जुल्म मत करो। अरे था, आप आ गई लेकिन जिसकी खातिर मैं इस हालत पे पहुंचा वो नहीं है। चांदनी, वो आना चाहती थी, बहुत बेचैन थी तुम्हारे लिए, मैंने ही मना किया उसे। बेटा, ज़रिया, खुद को इस तरह बर्बाद मत करो, मत करो बर्बाद, चलो घर चलो। ज़रिया, आज आपने हमारी इज्जत का जनाजा उस जगह निकाला जहां हमारे आबाओ अजदाद दफन हैं। तो ठीक है, इस कब्रों से दूर दादा जान मुझे किसी वीराने में दफन कर दें। तुम घटियापन की हद से गुजर रहे हो उस वक्त। देखा आपने, आपकी बेटी ने हमारे इनकार का इस तरह इंतकाम लिया है और आप भी आ गई हैं हमारी इज्जत का तमाशा देखने के लिए। नहीं पीर साहब, मैं तो बस ज़रियाब को मजबूर कर रही थी कि वो घर चले अपने। इस हालत में हम उसे घर नहीं ले जाएंगे। तो आपके घर जाना भी कौन चाहता है पीर साहब? नहीं जाना चाहता हूं, मैं यही रहना चाहता हूं। आप लोग जल्दी जाएंगे, मुझे सोने दे प्लीज। यहां सोकर तुम हमें जिल्लत की गहराइयों में धकेलना चाहते हो? यहां दफना के जाऊंगा मैं तुम्हें, समझे हो? नहीं नहीं, रहम करें, मासूम है। आप इसकी तरफदारी मत करें प्लीज। बेटे जैसा है मेरे, रहम करें। इसे होना भी आप ही का बेटा चाहिए था। खटिया, नाहंचार, इसे इस हालत पे पहुंचाने वाले भी आप लोग हैं, आप जिम्मेदार हैं। और अपनी बेटी से जाके कहिए कि ज़रिया आपका पीछा छोड़ दें, वरना इन्हीं कब्रों के दरमियान इसकी भी एक कब्र बना दी जाएगी। रहम पीर साहब, रहम। चले जाइए यहां से और आइंदा इस पाक जगह पर कभी कदम मत रखिएगा। साकिब, राय से चलो। ज़रिया उठो, ज़रिया उठ जाओ। खुदा के लिए चचा जान, भाई को इस उलझन से निकालें। हालत देख रहे हैं आप उनकी। चांदनी उलझन नहीं, बदनामी है, रुसवाई है मीरा। नहीं चचा जान, वो तो बहुत अच्छी है, इस माहौल में पढ़कर उसने अपना एक मकाम बनाया है। कीचड़ में खिला हुआ कवल घर में लाके सजाया नहीं जाता, वो सिर्फ कीचड़ में ही जिंदा रह सकता है। मगर चाचा जान, तुम जानती हो ज़रियाब की इस हालत की जिम्मेदार खुद चांदनी है। उसने ज़रियाब को अपनाने से मना कर दिया। चाचा जान, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा ही है, उसने साफ कह दिया कि मैं अपना फ्यूचर सिक्योर करना चाहती हूँ, जब तक जायदाद उसके नाम पे नहीं होगी वो ज़रियाब को नहीं अपनाएगी।
या खुदा। चंदा खुद तो सारी जिंदगी नाच गाकर भीख मांगकर जिंदगी गुजारता रहा और अब उसके पास एक आखिरी ब्लैंक चेक रह गया है और वो है चांदनी, जिसे वो कैश करवाना चाहता है। भाई के साथ ये सब कुछ नहीं होना चाहिए था। तो इतने मासूम, इतने सीधे साधे से इंसान है। बेटा तुम बैठो उसके पास, मैं जाके पापा जान को चेक करता हूँ, बहुत परेशान है। सरयाब ने तो उनकी सारी उम्मीदों पे पानी फेर दिया है। चांदनी, अपनी जिद छोड़ दो बेटा। आज मैंने जिस हाल में सरयाब को देखा है ना, मेरी रूह तक कांप गई है। उसे उसे अपने इर्द गिर्द तक का होश नहीं था। जरियाब के वाले चार लोगों की मदद से उसे घर लेके गए हैं। हाय चांदनी, मेरे पीर और मुर्शिद की इज्जत खाक में मिला दी तेरे प्यार ने। आपा, कसूर चांदनी का नहीं, आपका है। आपको अपने पीर और मुर्शिद की इज्जत बहुत प्यारी है ना, वो भी आज खाक में मिल गई। हाय आसमान गिर जाए और जमीन पट जाए, मैं उसमें तुझ समेत गर्क हो जाऊं और तू भी। अब चांदनी को गर्क होने की बद्दुआ ना दें, अपनी जिद छोड़ दें। आपको अपने पीरो मुर्शिद से वफादारी का वास्ता। अगर आप जरियाब की जिंदगी चाहती हैं ना, तो इन दोनों की मोहब्बत को आजाद कर दें। आए बदनसीब हूं मैं, क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा, और तू क्या बगे जा रही कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। चांदनी बेटा, मोहब्बत में जान ली नहीं जाती, दी जाती है। उमर तीन ने भी मुझे जिंदगी की तरफ धकेल के खुद सीने पे गोलियां खा ली और पूरी जिंदगी के लिए अपनी मोहब्बत को अमर कर दिया। अब वक्त तुम्हारा है अपनी मोहब्बत को अमर करने का। खाला अम्मी। नहीं चांदनी, जो मोहब्बत किसी की बदनामी का बाइस बन जाए ना, उस मोहब्बत का गला घोट देना चाहिए। नहीं चांदनी, बिल्कुल नहीं, ये बेवफाई होगी। अगर जरियाब तुम्हारे लिए कुर्बानी दे सकता है, तो तुम्हें भी उसके लिए कुर्बानी देनी होगी। जिस इज्जत का रोना आपा रो रही है ना, वो भी एक दिन खाक में मिल जाएगा, और उस दिन तुम खुद को माफ नहीं कर सकोगी कभी भी। ए खाला हूँ। सफिया, मैं तुझे माफ नहीं करूंगी। और आपा, अगर जरियाब को कुछ हुआ ना, तो मैं भी आपको कभी माफ नहीं करूंगी। समझ गई आप? अल्लाह, अपने चंदा को किस इम्तिहान में डाल दिया।